दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क के अंदर जो बात कही है, मुझे लगता है कि पूरे देश के लोगों को सुनना चाहिए। जिन लोगों के मन में नफरत है, वो बात शायद हजम नहीं कर पाएंगे ये, लेकिन जो लोग समझदार हैं, समझना चाहते हैं, उनको समझ में आ जाएगा राहुल गांधी आखिरकार क्या कहना चाहते हैं। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में अगर बात की जाए, पिछले 8 साल का कच्चा चिट्ठा खोल दिया, जहाँ पे राहुल गांधी कहते हुए दोस्तों दिखाई दिए। एक ही काम देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कुछ भी होता है तो ये कह दिया जाता है पीछे देखो, पीछे। फिर चाहे दोस्तों न्यूज चैनल की बात की जाए, फिर चाहे रैली की बात की जाए, फिर चाहे कहीं की भी बात की जाए, एक ही काम देखने को मिलता है। लेकिन उस वीडियो को दिखाने से पहले, उस पे बात करने से पहले, उस स्पीच पे हम जाएं, उससे पहले मैं आपको एक स्पीच सुनाना चाहूंगा जहां पे राहुल गांधी ने कांग्रेस की आइडेंटिटी, कांग्रेस की विचारधारा लोगों के सामने रखी। और यहां पर राहुल गांधी क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आई लव ऑल ऑफ यू, आई लव ऑल ऑफ यू, आई लव व्हाट यू डू, आई या अच्छा, कैन आई आस्क यू क्वेश्चन। छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहता हूं। आपने 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 बीजेपी के मीटिंग में कभी आई लव यू सुना है? कांग्रेस के लोग एक दूसरे बात करते हैं, आई लव यू ब्रदर, आई लव यू ब्रदर, आई लव यू ब्रदर। तो ये हिंदुस्तान है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी वहां पर जितने लोग बैठे हुए उन सबको आई लव यू ऑल कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी सवाल भी पूछते हैं कि क्या यही बात, यही चीज आपने बीजेपी की मीटिंग में सुनी है? क्या बीजेपी का कोई इंसान आई लव यू बोलता हुआ दिखाई दिया? कांग्रेस के लोग एक दूसरे से इस तरीके से मिलते हैं, प्यार जताते हैं, इस तरीके की बात राहुल गांधी कहते हुए दिखाई दिए? इसके बाद सीधा सीधा बीजेपी पे प्रहार किया, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिस वीडियो में राहुल गांधी ने यह बताया कि पिछले 8 साल से देश में चल क्या रहा है। जब भी कोई बात की जाती है तो पास्ट की बात कर ली जाती है, बता दिया जाता है कहीं ना कहीं 50 साल पहले ऐसा देखने को मिला था, कांग्रेस ने ऐसा किया था, तो ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपके सामने दोस्तों बताना चाहूंगा, बीजेपी आरएसएस पर प्रहार करते हुए दिखाई दिए राहुल गांधी। ये कहते हुए दिखाई दिए कि बीजेपी और अगर आरएसएस की बात की जाएगी तो वो फ्यूचर नहीं देख सकते इंडिया का, भारत का। ये बात राहुल गांधी कहते हुए दिखाई दिए। और साथ ही साथ ये भी कहा, जब भी बात की जाती है बीजेपी और आरएसएस से सवाल पूछा जाता है तो वो पास्ट दिखाते हुए नजर आते हैं। मैं आपको लगातार पढ़ के सुना रहा हूं जो बात राहुल गांधी कहते हुए दिखाई दे रहे थे। उनसे कुछ भी पूछ लो, पीछे की तरफ देखते हैं। ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो 50 साल पहले कांग्रेस ने क्या किया, उस पर ब्लेम डालते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ बुक की अगर बात की जाए, बुक में कुछ बदलता है आज के दौर में अगर बात की जाएगी? अभी आपने सुना होगा कई चीजें, कई चैप्टर्स बदलते हुए बच्चों की बुक्स में दिखाई दी। उस बीच राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ये जो बदला जा रहा है कोर्स, कि पीछे की तरफ बीजेपी देखती और कहती कांग्रेस ने ये किया था, इस वजह से हमने पीरियोडिक टेबल को चेंज कर दिया। अब इसके बाद मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, एक एग्जाम्पल दिया राहुल गांधी ने जो बहुत बड़ी बात कही है, जहां पर राहुल गांधी ये कहते हुए दिखाई दिए कि अगर आप कार चला रहे हो तो आप सिर्फ पीछे का मिरर देख के कार नहीं चला सकते, और अगर आप पीछे का मिरर देख के कार चलाओगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट एक के बाद एक होता हुआ दिखाई देगा। कुछ ऐसा ही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी करते हुए दिखाई दे रही है, ये बात राहुल गांधी कहते हुए दिखाई दिए। जहां पे राहुल गांधी ने कहा कि 24 आवर्स अगर बात की जाए, ये होता हुआ देश के अंदर दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही करते हैं, कार चलाते वक्त वो सिर्फ पीछे देखते हैं। इसी के साथ फ्यूचर पे बात की जाए तो पास्ट की बात करते हुए दिखाई देते, ब्लेम कांग्रेस के ऊपर डालते हुए दिखाई देते। राहुल गांधी ये बात समझाते हुए नजर आए कि अगर हमारी सरकार थी और हम अंग्रेजों के ऊपर पूरी तरीके से ब्लेम डाल देते तो क्या देश विकसित होता? बीजेपी एंड द आरएसएस आर इनकेपेबल ऑफ लुकिंग एट द फ्यूचर। उनसे आप कुछ भी पूछो वो पीछे की ओर देखते हैं। उनसे पूछो भैया ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, कहेंगे भैया वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। टेक्स्ट बुक्स में से आपने पीरियोडिक टेबल एवोल्यूशन क्यों निकाल दिया, भैया कांग्रेस पार्टी ने 60 साल पहले ये किया। इट इज इमीडिएट रिस्पॉन्स, भैया पीछे देखो, यू थिंक अबाउट इट, ऑल ऑफ यू केम हियर बाय कार यूजिंग योर कार्स, इमेजिन इफ द ओनली थिंग यू डिड वॉज लुक इन द रियर व्यू मिरर। 24 घंटा व्हेन यू वर ड्राइविंग द कार यू लुक एट द रियर व्यू मिरर, कुड यू ड्राइव योर कार? You'd be having one accident after the other. The passenger would be saying, भैया क्या कर रहे हो, मरवा दिया आपने, right? That is the phenomena of Narendra Modi ji. He is trying to drive the car, the Indian car, and he only looks in the rear view mirror. And then he does not understand why this car is crashing.
crashing, not moving forward. And it's the same idea with the BJP, with the RSS, all of them. You listen to them. You listen to their ministers. You listen to the Prime Minister. You will never find them talking about the future. They will only talk about the past. And they will always blame somebody else for the past. So, I remember a train accident when the Congress party was in power. The Congress party did not get up and say, now, it is the fault of the British that the train has crashed. No, the Congress minister, I remember, said, it is my responsibility the train has crashed, I am resigning. दोस्तों आखिर में मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी ये कहते हुए दिखाई दिए कि भारत के अंदर एक लड़ाई चल रही है गोडसे की विचारधारा को लेकर गांधी जी की विचारधारा को लेकर एक जो नफरत करना सिखाता है दूसरा जो मोहब्बत करना सिखाता है एक जो हमेशा पास्ट पे बात करता है जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि हमेशा बीजेपी पास्ट पे बात करते हुए दिखाई देती है कार को बैक मिरर के थ्रू चलाती है जिस वजह से बार बार एक्सीडेंट होता है जब भी कोई सवाल पूछा जाता है जब भी कोई दुर्घटना होती है जब भी कुछ गलत होता है तो लगातार कांग्रेस ने जो 50 साल 60 साल पहले काम किया उस पर बीजेपी प्रहार करते हुए दिखाई देती है दूसरी तरफ गांधी जी की विचारधारा है जो मोहब्बत और फ्यूचर पे बात करती है जो ओपन माइंडेड है इस तरीके की बात राहुल गांधी करते हुए दिखाई दी इसी के बीच में राहुल गांधी ने कहा कि देश के अंदर एक जंग चलते हुए दिखाई दे रही है ये विचारधाराओं की लड़ाई है जो देश के अंदर देखने को मिल रही है मैं उनके लिए काम क्यों करूंगा मैंने तो मोहब्बत की दुकान खोली है नफरत के बाजार में यानी कि मैं मोहब्बत बांटूंगा मैं नफरत को आगे नहीं बढ़ाऊंगा मैं उनके लिए काम नहीं करूंगा राहुल गांधी की इस स्पीच को आप किस तरीके से देखते हैं दोस्तों हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा आपकी विचारधारा हम तक जरूर पहुंचाइएगा अगर आपने राहुल गांधी की ये बात समझ ली हो और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब का बटन मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा पूरी तरीके से निःशुल्क है इसे जरूर से जरूर दबाएं अपना ख्याल रखें नमस्कार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें